ये देखिए ढेरों परतों वाली अंदर से पूरी रस भरी हमारी खस्ता हलवाई जैसी बालूशाही। त्योहार की थाली की शान, मिठाई के डिब्बे की जान, सभी की पसंदीदा बालूशाही मिठाई। सिंपल सी तीन सरल सामग्री के साथ ढेरों लेयर और एकदम खस्ता आपकी बालूशाही बनेगी, ऊपर से अंदर से पूरी रस भरी हुई। पूरा मेजरमेंट और परफेक्ट रेशियो बताऊंगी और वो हलवाई की कुछ ऐसी खास ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी पहली बार में ही बालूशाही 100% एकदम क्रंची परतों वाली खस्ता और अंदर से रस भरी तैयार होगी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हलवाई जैसी खस्ता रस भरी बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ी परात या इस तरह का बर्तन। तो जो पहला स्टेप है वो ये कि हमें आटा लगाना होगा। तो ये मैंने ली है 300 ग्राम मैदा। पूरा मेजरमेंट मैं आपको ग्राम और कप दोनों से बताती जाऊंगी जिससे आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। कप से बोलू तो 2.5 कप मैंने मैदा ली है। परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा तो आपकी बालूशाही बिल्कुल खस्ता बनेगी, जरा भी अंदर से हार्ड नहीं होगी, रस भी पूरा भरा भरा होगा। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, जो केक में डालते हैं ना, बस वही वाला। चुटकी भर नमक डाल दीजिए, फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है, इसलिए हम आइसक्रीम वगैरह में भी जरूर डालते हैं। अच्छे से पहले सूखी चीजों को मिक्स कर लीजिए। यहाँ जो मैंने मैदा लिया है वो छान कर लिया है। छानने से क्या होता है, थोड़ी सी मैदा हल्की हो जाती है, तो जब आप उसमें कुछ भी मिलाते हैं तो एक एक रेशे रेशे में सभी कुछ मिल जाता है। अब जो सबसे जरूरी चीज है जो बालूशाही को बनाएगी एकदम खस्ता, तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप घी, वजन से 100 ग्राम घी है। यहाँ पर मैंने घी डाला है क्योंकि घी देता है खस्तापन, तेल देता है कुरकुरापन, तो हमें यहाँ बालूशाही को खस्ता बनाना है, इसलिए आप घी का ही इस्तेमाल करें, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके का, ये आपको क्रमली लगेगा, यानी बिखरा बिखरा सा लगेगा, ये देखिए परफेक्ट। अब यहाँ पर हमें आटा गूथना नहीं है, सबसे जरूरी पॉइंट, जरा भी आपको मसलना नहीं है, आटा ना गूथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, एक बार में थोड़ा सा पानी, और बस इसको हमें हल्के हाथ से बांधना भर है, मतलब कि जो मैदा है उसको हम आटे की तरह से बस इकट्ठा कर लें हल्के हाथ से। यही वो चीज है जो हलवाई करते हैं, तभी आती है बालूशाही में ढेर सारी परतें यानी लेयर, और वो बनती है एकदम क्रंची और खस्ता। अगर आप यहाँ पर ज्यादा मसल कर आटा गूंथ देंगे तो जो बालूशाही है उसमें इतनी लेयर्स नहीं पड़ेगी। ये देखिए बस इस तरह से मैंने देखिए इकट्ठा सा किया, यानी बाइंड किया है, जोड़ा है मैंने मैदा को, बिल्कुल भी ना मसला है ना गूंथा है। यही वो सबसे पहली ट्रिक है जो बनाएगी आपकी बालूशाही को एकदम परफेक्ट। यहाँ पर जैसे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है उससे तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। आप अगर बेकिंग सोडा, खाना सोडा डालना चाहते हैं, साथ ही आपको डालना होगा एक छोटी चम्मच दही, जिससे कि जो बेकिंग सोडा है वो परफेक्ट काम करेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस बार बेकिंग पाउडर से ही बनाकर देखें। इतनी मैदा गूथने में लगभग आधे कप प्लस 2 बड़े चम्मच के करीब पानी लगा है। सॉफ्ट आटा ही हमें इसका तैयार करना है, और अब हम तैयार करेंगे बालूशाही को रसीली बनाने वाली उसकी परफेक्ट चाशनी। तो इसे ढककर रख देते हैं। परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए आप गैस पर चढ़ाएं एक फैला हुआ सा पैन, इसमें फिर आपको डिप करना बालूशाही को आसान होगा। अब इसमें हम डालेंगे 500 ग्राम चीनी, कप से बोलू तो 2.5 कप चीनी है। अब यहाँ पे हमने लिए 500 ग्राम चीनी, उसी का आधा हम लेंगे पानी, और ये हुआ 1.25 कप। 1.25 कप मीन्स 1 कप प्लस 1/4 कप। जितनी चीनी लेंगे उसका आधा हम पानी लेंगे। मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए चीनी को पूरी तरह से घुलने देंगे। सबसे जरूरी पॉइंट, जो बालूशाही है उसके लिए हमें जो चाशनी तैयार करनी है ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा पतली। अगर आपने ज्यादा पतली कर दी बालूशाही क्रंची नहीं रहेंगी, नरम पड़ जाएंगी, ज्यादा गाढ़ी कर दी तो अंदर तक रस नहीं जाएगा, बस ऊपर ऊपर चीनी लग जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, इसलिए मैंने आपको परफेक्ट रेशियो बताया। तो जब तक चीनी हमारी घुल रही है यहाँ पर हम लेंगे एक बोल, और बोल में मैं ले रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारी चाशनी में बढ़िया सा कलर और खुशबू आ जाए। जैसे हलवाई की चाशनी होती है ना हल्के से लालपन पर, तो चाहे तो फूड कलर हो रेड वाला तो वो भी डाल सकते हैं, वरना इस तरह से केसर का पानी डाल दीजिए। तो जितनी देर में हमारी चाशनी तैयार होगी केसर बढ़िया सा रंग छोड़ देगी, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीनी पूरी तरह से घुल गई है, एक उबाल इसमें आ गया है। बस चाशनी को थोड़ा सा और पकाएंगे कि ये चिपचिपी हो जाए, शहद जैसी हो जाए, जैसे जलेबी के लिए तैयार करते हैं ना चाशनी, बस उतना भर। यहाँ पर आपको पूरी एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि अक्सर यही गलती होती है जो कि वीडियोस में बताया नहीं जाता है। जब तक आप एक तार की चाशनी बनाते हैं वो अपनी गर्माई से, जब तक आप गैस बंद करते हैं
और दोबारा चाशनी को गर्म करते हैं बालूशाही डालते वक्त, वो पूरी दो तार की चाशनी बन जाती है और उसके ऊपर पूरी चीनी चीनी आ जाती है, अंदर तक रस नहीं जाता। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे ही एक तार आने वाला हो, चिपचिपापन बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, हम गैस को बंद कर देंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बहुत ही छोटी चीज है लेकिन इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है किसी भी रेसिपी में। अच्छा, यहाँ पर मेरी चीनी बिल्कुल साफ है इसलिए आप देख सकते हैं एकदम क्लियर चाशनी तैयार हुई है। यदि चीनी में इम्प्योरिटीज हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच दूध डालिए और धीरे धीरे कर आप देखेंगे जो भी मैल होगा वो ऊपर आ जाएगा झाग के तौर पर, उसको आप चम्मच से हटा दीजिए। तो इस तरह से आप चाशनी को साफ कर सकते हैं। और यहीं पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इलायची, जिसको मैंने बीच में से इस तरह से थोड़ा सा खोल दिया है, जिससे कि बढ़िया सी खुशबू आ जाए चाशनी में। चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहीं पर इसमें हम डाल देंगे हमारा केसर वाला पानी। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया केसर का, परफेक्ट। बाजार से जब आप बालूशाही वगैरह या कोई भी मिठाई लेते हैं, एक तो मिलावट का डर रहता है, प्लस इसमें अमोनिया मिलाया जाता है, तो अच्छा है कि आप इस तरह से आसानी से घर में ही मिठाई बनाएं और वो भी इतने परफेक्ट तरीके से। और इसे बनाने के बाद तो आपको बाजार के खाने का मन नहीं होगा। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब इस स्टेज पर जब आपको लगे कि गाढ़ापन सा दिख रहा है, सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं, इस तरह थोड़ा सा हाथ पर लेके देखिए, और जब आप 2 उंगलियों के बीच में इस तरह चेक करेंगे तो देखिए पूरा एक तार नहीं आ रहा, पर देखिए हल्का सा तार खिंच रहा है। बस इस तरह से हमें चाशनी को तैयार करना है, क्योंकि ठंडी हो जाने पर यह भी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस स्टेज पर ही गैस को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाशनी को ढककर रख देंगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए आटे को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, सॉफ्ट और नरम। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। कुछ भी नहीं किया, हल्के हाथ से बांधा था और आप ये डिफरेंस देखिए, दिख रही है ना इसमें एकदम परतें। यही वो असली चीज है जो आपकी बालूशाही को बनाएगी एकदम परतदार, लेयर्ड, ऊपर से क्रंची और अंदर से रस भरी हुई। सिर्फ बाइंड करना है आपको बस। तो एक बार और इसको ठीक कर लेंगे। और बस अब इसमें से छोटा छोटा सा पोर्शन लीजिए, जैसे बालूशाही बाजार में मिलती है ना, बिल्कुल उस हिसाब से ये लेकर के हल्के हाथ से हथेली के बीच में रखकर बस इस तरह घुमाइए। जितनी अच्छी तरीके से आप इसे घुमा लेंगे उतनी बढ़िया इसमें लेयर्स पड़ेंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। अब बस इसमें चाहे तो उंगली से आप इस तरह बीच में एक छेद कर दें, या फिर आप एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से इस तरह से छेद आप बिल्कुल आर पार कीजिएगा, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो अंदर तक जो हमारी बालूशाही है वो बढ़िया खस्ता सिकेगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो सारी ही बालूशाही बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। इस तरह से छेद करने से जो बालूशाही है वो अंदर तक पकेगी और फिर जब आप इसे रस में डालेंगे तो अंदर तक रस भी जाएगा। बालूशाही थोड़ी सी छोटी थोड़ी सी बड़ी, उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। अब हमें बालूशाही को करना होगा फ्राई, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट, बिल्कुल हल्के गरम तेल में ही हमें बालूशाही को फ्राई करना है। डालते वक्त तेल बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए, जो आंच है वो बिल्कुल धीमी रखेंगे सबसे लोएस्ट पर, और एक छोटा टुकड़ा डालकर देखेंगे। जब मैंने इसको डाला तो देखिए बबल्स नहीं आ रहे, एकदम से ऊपर नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा हल्का गरम हमें तेल को रखना होगा। तो इसे तो निकाल देंगे। अगर आपने थोड़ा भी ज्यादा गर्म तेल पर बालूशाही को फ्राई किया तो क्या होगा कि बालूशाही ऊपर से लाल हो जाएंगी, अंदर से पूरी तरह से पक नहीं पाएंगी। और जितनी कढ़ाई में स्पेस है उस हिसाब से एक बार में आप बैच को फ्राई करें। अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बालूशाही ऊपर तैरने लगेंगी, उस स्टेज पर ही हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल आने शुरू हुए हैं, जैसे जैसे बालूशाही फ्राई होती जाएगी ऊपर तैरने लगेगी। अभी चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, जब ये ऊपर आ जाएंगे उसके बाद ही हम इन्हें टच करेंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो बालूशाही है ऊपर की तरफ आ रही है, अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा सिकने देंगे। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा जो बालूशाही का साइज है वो भी आपको बड़ा हुआ नजर आएगा पहले के कंपैरिजन में। अब इस स्टेज पर जब बालूशाही सारी ऊपर तैर रही है, हल्की सी फ्लेम को बढ़ाइए, लो मीडियम कीजिए, बहुत ही थोड़ा सा बढ़ाना है। बालूशाही की फ्राइंग में ही बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा वरना अंदर से बालूशाही कच्ची रह जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी बालूशाही बहुत ही बढ़िया फूल गई है और एकदम बढ़िया दिख रही है, बिल्कुल भी फटी नहीं है, 100% परफेक्ट रेसिपी है। जो मेजरमेंट और रेशियो मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा और उसी टिप्स के साथ। और हल्की सी फर्म हमारी बालूशाही हो गई है, तो इस स्टेज पर इस तरह से बालूशाही को पलट देंगे। देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स ऐसे ही दिख रही है, अभी तो पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई है। ये देखिए बेहतरीन, अब नीचे से भी बिल्कुल बढ़िया गोल्डन इसको होने देंगे।
और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा धीरे धीरे करके सुनहरा रंग आता जा रहा है। कितनी खस्ता दिख रही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप इसकी लेयर्स ही समझ सकते हैं जो खस्तापन इसमें आया है। बहुत ही सुंदर, इतनी खुशी होती है कि जब आप इस तरीके की मिठाइयां जो आप हमेशा से बाजार से लाकर हलवाइयों की स्पेशल खाते हैं उससे भी बढ़िया आप घर में बना लें, बहुत खुशी होगी आपको मेरी तरह। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस बार रक्षाबंधन पर, तो पक्का बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगी। अंदर तक इसकी लेयर खस्ता रहेगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर धीमे धीमे मैंने इसको फ्राई किया है। अभी थोड़ा सा इस पे बढ़िया गोल्डन कलर और आने देते हैं, तो जब तक ये अच्छे से गोल्डन हो रही है, जो हमने चाशनी तैयार की थी ना वो भी अब ठंडी हो गई है, तो इसे वापस से हल्का गर्म कर लेंगे। हल्की गर्म चाशनी में ही हमें तुरंत से अपनी बालूशाही को डालना होगा, जिससे कि वो बढ़िया से चाशनी को अब्सॉर्ब कर पाए। याद रखिए, कोई भी चीज जो डिप करने वाली होती है उसमें एक चीज हल्की गर्म, एक चीज बढ़िया गर्म, तो ये रहेंगी हमारी बढ़िया गर्म, चाशनी रहेगी हल्की गर्म। अभी आप पहले से देख सकते हैं कि जो हमारी बालूशाही है उनका साइज बढ़ गया है, ये देखिए बनी है ना एकदम परफेक्ट। और ये देखिए, मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता एकदम जबरदस्त परतों वाली हमारी बालूशाही तैयार हुई है। इससे ज्यादा गोल्डन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि निकालने के बाद ये अपने आप ही रंग पकड़ लेती हैं। गर्मा गर्म निकालेंगे, इसको हल्की गर्म चाशनी में डाल देंगे। 2 मिनट हम बालूशाही को एक साइड से डिप करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा चाशनी ऊपर से डाल देंगे। मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए, गैस बिल्कुल बंद है, गरम चाशनी डाली है और ये जो बबल्स आ रहे हैं इस बात का इंडिकेशन है कि चाशनी हमारी बालूशाही में अंदर तक अब्सॉर्ब हो रही है। तो बस 2 मिनट एक साइड से हम बालूशाही को डिप रखेंगे और 2 मिनट बाद वापस से इसको पलट देंगे। तो दोनों साइड से टोटल 4 से 5 मिनट ही हमें चाशनी में बालूशाही को रखना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रखेंगे। इस तरह से इसका क्रंच भी मेंटेन रहेगा, रस अंदर तक बालूशाही में भर जाएगा। तो जब तक हमारी बालूशाही चाशनी को अब्सॉर्ब कर रही है, फटाफट से सेकंड बैच तैयार कर लेते हैं। सेकंड बैच की बालूशाही डालने से पहले वापस से ऑयल को ठंडा कर लेंगे गैस को बंद करके। जब इसका टेम्परेचर हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम सेकंड बैच डालेंगे, क्योंकि हमें बालूशाही को बिल्कुल हल्के गर्म में ही फ्राई करना है। तो जब तक हमारी सेकंड बैच की बालूशाही हो रही है फ्राई, फटाफट चाशनी वाली बालूशाही को निकाल लेते हैं और बस 4 मिनट बाद इस तरह से हम अपनी बालूशाही को निकाल लेंगे। सुपर, आप देख सकते हैं कि हमारी बालूशाही बिल्कुल हलवाई जैसी बल्कि और भी बढ़िया और खस्ता तैयार हुई है। लेयर्स आपको देखने से ही पता चल रही होंगी। और लीजिए, हमारी सेकंड बैच की बालूशाही भी है बिल्कुल तैयार और इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली हलवाई जैसी खस्ता क्रंची रस भरी बालूशाही। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए उनको फॉलो करते हुए बनाइए। और ये देखिए इसका टेक्सचर, हर तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता और परते दिख रही हैं, लेयर्ड बनी है, ऊपर से क्रंची है और अंदर देखिए पूरा रस भरा हुआ है। ये खास बात है इस बालूशाही की, देखने से ही लग रही है ना जैसे आप हल्दीराम या बाजार से खरीद कर लाए। यकीन मानिए, खाने के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है, वो भी इतने आसान तरीके से। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, जरूर बनाइएगा इस बार। तो रक्षाबंधन पर मिठाई बाजार से लीजिएगा ही मत, आराम से घर पर बनाइए, मेरी रेसिपी से बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनेंगी, परफेक्ट बनेंगी पहली बार में ही। नो फेल रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर बनाएं। और इस तरह बना करके आप इन्हें लगभग 25 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में उठाकर रख दीजिए, ये 25 से 30 दिन भी खराब नहीं होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें और सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।